नमस्कार। कथा मंथन में मैं सुनीता आप सबका स्वागत करती हूँ। एक कहानी रोज में आज सुनिए मनु भंडारी द्वारा रचित कहानी सयानी बुआ। सब पर मानो बुआ जी का व्यक्तित्व हावी है। सारा काम वहाँ इतनी व्यवस्था से होता जैसे सब मशीनें हो जो कायदे में बंधी बिना रुकावट अपना काम किए चली जा रही हैं। ठीक 5 बजे सब लोग उठ जाते, फिर 1 घंटा बाहर मैदान में टहलना होता, उसके बाद चाय दूध होता, उसके बाद अन्नू को पढ़ने के लिए बैठना होता। भाई साहब भी तब अखबार ऑफिस की फाइलें आदि देखा करते और 9 बजते ही नहाना शुरू होता। जो कपड़े बुआ जी निकाल दे वहीं पहनने होते, फिर कायदे से आकर मेज पर बैठ जाओ और खाकर काम पर जाओ। सयानी बुआ का नाम वास्तव में ही सयानी था या उनके सयानेपन को देखकर लोग उन्हें सयानी कहने लगे, सो तो आज तक मैं नहीं जानती। पर इतना अवश्य कहूंगी कि जिसने भी उनका यह नाम रखा वह नामकरण विद्या का अवश्य पारखी रहा होगा। बचपन में ही वे समय की जितनी पाबंद थी, अपना सामान संभाल कर रखने में जितनी पटु थी और व्यवस्था के जितनी कायल, उसे देखकर चकित हो जाना पड़ता था। कहते हैं जो पेंसिल वे एक बार खरीदती थी वह जब तक इतनी छोटी ना हो जाती कि उनकी पकड़ में भी ना आए तब तक उससे काम लेती थी। क्या मजाल की कभी खो जाए या बार बार नॉक टूटकर समय से पहले समाप्त हो जाए। जो रबर उन्होंने 4थी कक्षा में खरीदा 9वीं कक्षा में आकर समाप्त किया। उम्र के साथ साथ उनकी आवश्यकता से अधिक चतुराई भी प्रौढ़ता धारण करती गई और फिर बुआ जी के जीवन में इतनी अधिक घुल मिल गई कि उसे अलग करके बुआ जी की कल्पना ही नहीं की जा सकती थी। उनकी एक एक बात पिताजी हम लोगों के सामने उदाहरण के रूप में रखते थे, जिसे सुनकर हम सभी खैर मनाया करते कि भगवान करे वे ससुराल में ही रहा करें, वरना हम जैसे अस्त व्यस्त और अव्यवस्थित जनों का तो जीना ही हराम हो जाएगा। ऐसी ही सयानी बुआ के पास जाकर पढ़ने का प्रस्ताव एक बार जब मेरे सामने रखा गया तो आप कल्पना कर सकते हैं कि मुझ पर क्या बीती होगी। मैंने तो साफ इनकार कर दिया कि मुझे तो आगे ही नहीं पढ़ना, पर पिताजी मेरी पढ़ाई के विषय में इतने सतर्क थे कि उन्होंने समझाकर डांटकर प्यार दुलार से मुझे राजी कर लिया। सच में राजी तो क्या कर लिया, समझिए अपनी इच्छा पूरी करने के लिए बाध्य कर दिया। और भगवान का नाम गुहारते गुहारते मैंने घर से विदा ली और उनके यहाँ पहुँची। इसमें संदेह नहीं कि बुआ जी ने बड़े प्यार से स्वागत किया, पर बचपन से उनकी ख्याति सुनते सुनते उनका जो रौद्र रूप मन में छाया हुआ था उसमें उनका वह प्यार कहाँ तिरोहित हो गया मैं जान ही ना पाई। हाँ, बुआ जी के पति जिन्हें हम भाई साहब कहते थे बहुत ही अच्छे स्वभाव के व्यक्ति थे और सबसे अच्छा कोई घर में लगा तो उनकी 5 वर्ष की पुत्री अनु। घर की इस नीरस और यंत्र चालित कार्यक्रम में अपने को फिट करने में मुझे कितना कष्ट उठाना पड़ा और कितना अपने को काटना छाटना पड़ा यह मेरा अंतर्यामी ही जानता है। सबसे अधिक तरस आता था अन्नु पर। इस नन्ही सी उम्र में प्रौढ़ हो गई थी, ना बच्चों का उल्लास ना कोई चहचहाट, एक अज्ञात भय से वह घिरी रहती। घर के उस वातावरण में कुछ ही दिनों में मेरी भी सारी हंसी खुशी मारी गई। यूं बुआ जी की गृहस्थी जी में 15 वर्ष बीत चुके थे, पर उनके घर का सामान देखकर लगता था मानो सब कुछ अभी कल ही खरीदा हो। गृहस्थी जमाते समय जो कांच और चीनी के बर्तन उन्होंने खरीदे थे आज भी ज्यों के त्यों थे, जबकि रोज उनका उपयोग होता था। वे सारे बर्तन स्वयं खड़ी होकर साफ करवाती थी। क्या मजाल की कोई एक चीज भी तोड़ दे। एक बार नौकर ने सुराही तोड़ दी थी, उस छोटे से छोकरे को उन्होंने इस कसूर के लिए बहुत पीटा था। तोड़फोड़ से तो उन्हें सख्त नफरत थी और यह बात उनकी बर्दाश्त के बाहर थी। उन्हें बड़ा गर्व था अपनी सुव्यवस्था का। वे अक्सर भाई साहब से कहा करती कि यदि वे इस घर में ना आती तो ना जाने बेचारे भाई साहब का क्या हाल होता। और मैं मन ही मन कहा करती कि चाहे जो कुछ भी हाल होता, हम सब मिट्टी के पुतले ना होकर कम से कम इंसान तो अवश्य हुए होते। बुआ जी की अत्यधिक सतर्कता और खाने पीने के इतने कंट्रोल के बावजूद अन्नू को बुखार आने लगा। सब प्रकार के उपचार करने कराने में पूरा महीना बीत गया, पर उसका बुखार था कि उतरा ही नहीं। बुआ जी की परेशानी का पार नहीं, अन्नू एकदम पीली पड़ गई। उसे देखकर मुझे लगता मानो उसके शरीर में ज्वर के कीटाणु नहीं बुआ जी के भय के कीटाणु दौड़ रहे हैं जो उसे ग्रसते जा रहे हैं। वह उनसे पीड़ित होकर भी भय के मारे कुछ कह तो सकती नहीं थी, बस सूखती जा रही थी। आखिर डॉक्टरों ने कई प्रकार की परीक्षाओं के बाद राय दी कि बच्ची को पहाड़ पर ले जाया जाए और जितना अधिक उसे प्रसन्न रखा जा सके रखा जाए। सब कुछ उसके मन के अनुसार हो यही उसका इलाज है, पर सच पूछो
तो बेचारी का मन बचा ही कहाँ था। भाई साहब के सामने एक विकट समस्या थी। बुआ जी के रहते यह संभव नहीं था, क्योंकि अनजाने ही उनकी इच्छा के सामने किसी और की इच्छा चल ही नहीं सकती थी। भाई साहब ने शायद सारी बात डॉक्टर के सामने रख दी। तभी डॉक्टर ने कहा कि माँ का साथ रहना उचित नहीं है। बुआ जी ने सुना, बहुत आनाकानी की, पर डॉक्टर की राय के विरुद्ध जाने का साहस वे नहीं कर पाई, सो मन मारकर वह वहीं रही। अब तो जोर शोर से अन्नू के पहाड़ पर जाने की तैयारी शुरू हुई। पहले दोनों के कपड़ों की लिस्ट बनी, फिर जूतों की, मोजों की, गर्म कपड़ों की, ओढ़ने बिछाने के सामान की, बर्तनों की, और हर चीज रखते समय वह भाई साहब को सख्त हिदायत कर देती कि एक भी चीज खोनी नहीं चाहिए। देखो, यह फ्रॉक मत खो देना, 7 रुपये मैंने सिलाई दी थी। उस प्याले को मत तोड़ देना, वरना 50 रुपये का सेट बिगड़ जाएगा। और हाँ, गिलास को तुम तुच्छ समझते हो ना, उसकी परवाह नहीं करोगे, पर देखो यह 15 बरस से मेरे पास है, कहीं खरोच तक नहीं आई है, तोड़ दिया तो ठीक ना होगा। प्रत्येक वस्तु की हिदायत के बाद वे अन्नू पर आई कि वह किस दिन किस समय क्या खाएगी, उसका मीनू बना दिया, कब कितना घूमेगी, क्या पहनेगी, यह तक भी निश्चित कर दिया। मैं सोच रही थी कि यहाँ बैठे बैठे ही बुआ जी ने इन्हें ऐसा बांध दिया कि बेचारे अपनी इच्छा क्या, अपना अनुसार क्या खा करेंगे। सब कह चुकी तो जरा आर्द्र स्वर में बोली, कुछ अपना भी ख्याल रखना, दूध फल बराबर खाते रहना। और हिदायतों की इतनी लंबी सूची के बाद भी उन्हें यही कहना पड़ा, जाने तुम लोग मेरे बिना कैसे रहोगे, मेरा तो मन ही नहीं मानता। हाँ, बिना भूले रोजे की चिट्ठी जरूर डाल देना। आखिर वह क्षण भी आ पहुंचा जब भाई साहब एक नौकर और अन्नू को लेकर चले गए। बुआ जी ने अन्नू को खूब प्यार किया और रोई भी। उनका रोना मेरे लिए नई बात थी। उस दिन पहली बार लगा कि उनकी भयंकर कठोरता में कहीं कोमलता भी छिपी है। और जब तक तांगा दिखाई देता रहा, वह उसे देखती नहीं। उसके बाद कुशन निर्जीव सी होकर पड़ी रही, पर दूसरे ही दिन घर फिर वैसे ही यंत्रवत चलने लगा। भाई साहब का पत्र रोज आता था, जिसमें अन्नू की तबीयत के समाचार रहते। बुआ जी भी रोज एक पत्र लिखती थी, जिसमें अपनी उन मौखिक हिदायतों को लिखित रूप से दोहरा दिया करती थी। पत्रों की तारीख में अंतर रहता था, बात शायद सब में वही रहती। मेरे तो मन में आता कि कह दो बुआ जी रोज पत्र लिखने का कष्ट करती क्यों है, भाई साहब को लिख दीजिए, एक पत्र गत्ते पर चिपकाकर पलंग के सामने लटका ले और रोज सवेरे उठकर उसे पढ़ लिया करे। पर इतना साहस नहीं था मेरे अंदर कि मैं यह बात बुआ के सामने कह सकूं। करीब 1 महीने बाद एक दिन भाई साहब का पत्र नहीं आया और दूसरे दिन भी नहीं आया। बुआ जी बड़ी चिंतित होती। उस दिन उनका मन किसी भी काम में नहीं लगा, घर की कसी कसाई व्यवस्था कुछ शिथिल सी मालूम होने लगी। तीसरा दिन भी निकल गया, अब तो बुआ जी की चिंता का पार नहीं रहा। रात को वे मेरे कमरे में आकर सोई, पर सारी रात दुःस्वप्न देखती रही और रोती रही, मानो उनका वर्षों से जमा हुआ नारित्व पिघल पड़ा था और अपने पूरे वेग के साथ बह रहा था। वे बार बार कहती कि उन्होंने स्वप्न में देखा है भाई साहब अकेले चले आ रहे हैं, अन्नू साथ नहीं है, और उनकी आंखें भी लाल है और वे फूट फूट कर रो पड़ती। मैं तरह तरह से उन्हें आश्वासन देती, पर बस वे तो कुछ सुन ही नहीं रही थी। मेरा मन भी कुछ अन्नू के ख्याल से, कुछ बुआ जी की दशा देखकर बड़ा दुखित हो रहा था। तभी नौकर ने भाई साहब का पत्र लाकर दिया। बड़ी व्यग्रता से कांपते हाथों से उन्होंने उसे खोला और पढ़ने लगी। मैं भी सांस रोककर बुआ जी के मुंह की ओर देख रही थी कि एकाएक पत्र फेंक कर सिर टूटती बुआ चीख कर रो पड़ी। मैं धक रह गई, आगे कुछ सोचने का साहस ही नहीं होता था। आगे आंखों के आगे अन्नू की भोली भाली सी नन्ही सी तस्वीर घूम गई कि अब क्या हो गया, अन्नू को क्या हो गया, क्या अन्नू सचमुच संसार में नहीं है, यह सब कैसे हो गया। मैंने साहस करके भाई साहब का पत्र उठाया, लिखा था, प्रिय सयानी, समझ में नहीं आता किस प्रकार तुम्हें यह पत्र लिखूं और किस मुंह से तुम्हें यह दुग्ध समाचार दूं। फिर भी रानी, तुम इस चोट को धैर्य पूर्वक सह लेना, जीवन में दुख की घड़ियां भी आती हैं और उन्हें साहस पूर्वक सहने में ही जीवन की महानता है। यह संसार नश्वर है, जो बना है वह एक न एक दिन मिटेगा ही। शायद इस तथ्य को सामने रखकर हमारे यह कहा है कि संसार की माया से मोह कर रखना दुख का मूल है। तुम्हारी इतनी हिदायतों के और अपनी सारी सतर्कता के बावजूद मैं उसे नहीं बचा सका, इसे अपने दुर्भाग्य के अतिरिक्त और क्या कहूँ। यह सब कुछ मेरे ही हाथों होना था। आंसू भरी आंखों के कारण शब्दों का रूप अस्पष्ट से अस्पष्टतर होता जा रहा था। मेरे हाथ कांप रहे थे। मेरे अपने जीवन का यह पहला अवसर था कि जब मैं इस प्रकार किसी की मृत्यु का समाचार पढ़ रही थी। मेरी आंखें शब्दों को पार करती हुई जल्दी जल्दी पत्र के अंतिम हिस्से पर जा पड़ी।
मैं पूरा पत्र नहीं पढ़ पाई और शायद मैंने अंतिम लाइनें पढ़ी जिसमें लिखा था, धैर्य रखना मेरी रानी, जो कुछ हुआ सहने की और भूलने की कोशिश करना। कल 4 बजे तुम्हारे 50 रुपये वाले सेट के दोनों प्याले मेरे हाथ से गिरकर टूट गए। अनु अच्छी है, शीघ्र ही हम लोग रवाना होने वाले हैं। 1 मिनट तक मैं हदबुद्धि सी खड़ी रही, समझ ही नहीं पाई ये क्या से क्या हो गया। यह दूसरा सदमा था और ज्यों ही समझी मैं जोर से हंस पड़ी। फिर तो किस प्रकार मैंने बुआ जी को सत्य से अवगत कराया, यह सब मैं कोशिश करके भी आप सबको नहीं लिख सकूंगी। पर वास्तविकता की जानकारी होने के बाद बुआ जी भी रोते रोते हंस पड़ी। 5 आने की सुराई तोड़ देने पर नौकर को बुरी तरह पीटने वाली बुआ जी 50 रुपये वाले सेट के प्याले टूट जाने पर भी हंस रही थी और दिल खोल कर हंस रही थी, मानो उन्हें स्वर्ग की निधि मिल गई हो। तो यह कहानी थी मनु भंडारी द्वारा रचित सयानी बुआ।